Kaiju number 8, one of the most awaited anime of 2024 is finally here. तो Kaiju number 8 का पहला episode 13th of April को release हो चुका है और इसी सिलसिले में आज हम Kaiju number 8 के first episode का review कम explanation लेकर के आए हैं. तो let's start the video without wasting any further time. तो episode की starting होती है, हमें दिखाया जाता है कि Kaiju, यानी कि एक giant monster, जो कि दिखने में तो Godzilla की तरह है लेकिन है बहुत ही फुद्दू, वो सिटी पे हमला कर देता है. तो उसको रोकने के लिए जापान की थर्ड डिविजन डिफेंस फोर्स आगे आती है, जैसे कैप्टन होती है मीना आशिहिरो. और थर्ड डिविजन डिफेंस फोर्स कुछ मिनट्स के अंदर ही उस काइजू को मार देते हैं और फिर बारी आती है सारे मेस को साफ करने की. तो ये काम करता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट टाफका और उसके टीम मेंबर्स. इसके थोड़े टाइम बाद हमको अगले दिन एक नया कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि होता है इचिकावा. अब स्टार्टिंग में तो इचिकावा और टाफका तो काफी मतलब अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती. यहाँ पे इचिकावा साफ साफ सामने बोल देता है काफका को कि तुमने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सपना क्यों छोड़ दिया. तब वहाँ पर पे काफका बोलता है बिकॉज मैंने काफी ट्राई किया था, मैं नहीं कर पाया और मेरी एज लिमिट भी अब पार हो चुकी है, जो कि अब नहीं कर सकता हूँ मैं. तब वहाँ पर इचिकावा बोलता है कि एज लिमिट तुम्हारी पास नहीं हुई है, क्योंकि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की एज लिमिट अब बढ़ चुकी है, जो कि हो गई है 33 ईयर्स. अब इतना जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं उसका भी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें काफका एक लड़की के साथ होता है और लड़की और कोई नहीं होती है, वो होती है मीना आशिहिरो. बिल्कुल सही सुना तुमने, मीना आशिहिरो द कैप्टन ऑफ थर्ड डिविजन डिफेंस फोर्स. देख रहे हो वो लड़की कैप्टन बन चुकी है और ये अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अभी भी झाड़ू पोछा ही मार रहा है, कितना नल्ला इंसान है. बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम स्टोरी पे ध्यान देते हैं. तो हमको दिखाया जाता है कि पास्ट में काफका और मीना दोनों के ही मतलब सिटी पे काइजू का हमला होता है, वो दोनों काफी कुछ खोते हैं और तभी से वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और सारे के सारे काइजू उसको मार देंगे. और उसी टाइम से वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते है. काफका भी काफी ट्रेनिंग करता है बट वो वीक होता है. और वही दूसरी तरफ मीना, जो कि मतलब ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करी जा रही थी और वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो कुछ ही टाइम के अंदर ही डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लेती है और मात्र एक साल के अंदर ही वो थर्ड डिविजन की कैप्टन भी बन जाती है. और वही हमारे दूसरी तरफ काफका, जो कि काफी बार ट्राई करने के बाद भी डिफेंस फोर्स में एंट्री तक नहीं ले पाता है और ना चाहते हुए भी उस क्लीनर की जॉब करनी पड़ती है, और वो हर बार खुद को सेटिस्फाई कर रहा होता है कि क्लीनर की जॉब भी एक डिफेंस फोर्स मेंबर इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो ना रहे तो सिटी कौन साफ करेगा. फिर हम करंट टाइमलाइन में वापस आते हैं और हम देखते हैं एक काफका की आंखों में एक नई चमक है, रे ऑफ होप तुम उसको बोल सकते हो, कि उस बंदे को पता चल चुका है कि वो अभी भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर सकता है. और इस टाइम पर पे काफका और इचिकावा में मतलब थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी थी, वो साथ में काम करते हैं काइजू की इंटेस्टाइन को साफ करने का. अगर तुम नहीं समझ रहे क्या मतलब है तो मैं तुमको बताता हूँ कि उसके इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं जो कि तुम सुबह सुबह निकाल के आते हो. हाँ, वही जो तुम सोच रहे हो, गंदे इंसान. तो यहाँ पर पे काफका इचिकावा और बाकी के मिल करके उस इंटेस्टाइन को काट करके साफ कर रहे होते हैं. और जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो हमको दिखता है कि इचिकावा के पीछे एक काइजू मौजूद है और वो काइजू इचिकावा पे हमला कर देता है. बट हमारा काफका एक हीरो से एंट्री मारता है और हमारे इचिकावा को बचा लेता है. और बचाने के बाद बोलता है, इचिकावा भाग जा यहाँ से, अपनी जान बचा, तू निकल जा यहाँ से, तेरे को डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर रही है, तेरे को आगे बढ़ना है, मेरा क्या, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो इचिकावा ही बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और वो चला जाता है वहां से. और फिर हमारा काफका द मेन प्रोटैगनिस्ट, पावरलेस मेन प्रोटैगनिस्ट, एक लोहे की रॉड उठाता है और तुम्हें क्या लगा लड़ेगा, वो नहीं लड़ता है, भागने लगता है. वो वहां पर पे उस काइजू से भाग रहा होता है, काइजू उसके पीछे भाग रहा होता है. और एक टाइम पर पे वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लाइक काइजू उसके सामने खड़ा होता है, उसके पैर में चोट लगी होती है, काफका हिल भी नहीं सकता था और वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, काइजू उसको कुछ खा चुका था. लेकिन अभी एंट्री होती है इचिकावा की और वो एक लोहे की रॉड से खींच करके काइजू के मुंह पे मारता है, जिससे काइजू दूर हो जाता है और हमारा काफका बच जाता है. तो वहां पर दोनों आपस से बातचीत करते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग साथ में मरेंगे, और दोनों मरने तैयार होते हैं. और यहाँ पर पे वो काइजू दोनों को खाने ही वाला होता है, तभी एंट्री होती है थर्ड डिविजन के कैप्टन यानी कि मीना आशिहिरो की. हाँ, मीना की. लाइक मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो काइजू को वो दोनों मिलकर नहीं संभाल पा रहे थे, उस लड़की ने उस काइजू को एक सेकंड में खत्म कर दिया. खत्म, वैनिश, गायब, जो बोलो, खत्म कर दिया, हो गया खत्म, मर गया काइजू. फिर हमें दिखता है कि काफका और इचिकावा दोनों काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं और वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं. और यहाँ पर पे दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे क्या करना है. और फिर यहाँ पर पे हमारा काफका बोलता है, थैंक यू इचिकावा, तुमने मुझे एक नई रे ऑफ होप दे दी है, मैं अब फिर ट्राई करूंगा, मैं अब गिव अप नहीं करने वाला और अब की बार मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके रहूंगा. और जब बंदा बोल रहा होता है तो उसके सामने
होता है काइजू। अब काइजू का मतलब होता है बड़े 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 मॉन्स्टर, गॉडजिला, कॉन्ग जितने बड़े बड़े, बट ये काइजू बहुत छोटा होता है, लाइक सीरियसली एक बिल्ली के बराबर का मच्छर होता है। और ये काइजू कुछ ऐसा करता है जो तुम सोचोगे भी नहीं, लिटरली काइजू काफ के अंदर घुस जाता है भाई, मुंह से घुसता है, मुंह से घुसता है गंदी सोच वाले इंसान। और जैसे ही वो काइजू काफा के अंदर घुसता है, काइजू की बॉडी में केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, लाइक सीरियसली वो कांप रहा होता है। इसको देख करके इच्छिकावा काफी शॉक में होता है, हाँ वो शॉक में होता है क्या हो रहा है, उसे पूछता है कि सेनपाई सेनपाई क्या हुआ, सेनपाई 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 क्या हुआ, सेनपाई नोटिस में सेनपाई कर रहा होता है बैठ के वो, बट यू नो व्हाट, काफा कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। और इच्छिकावा क्या करता है, वो पर्दा हटा देता है, और जब पर्दा हटाता है तो वो देखता है कि बेड पे काफा तो नहीं है, बट एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर एक काइजू, ह्यूमनॉइड काइजू। और यहाँ पर पे वो बोल लॉक होता है, हे इचिकावा ये मैं हूँ, मैं काफ्का, मैं हूँ ये काफ्का हूँ, मैं काफ्का हूँ, मैं सुअर नहीं, मैं काफ्का हूँ, सॉरी मैं काइजू नहीं, मैं काफ्का हूँ। और जब दोनों बात कर ही रहे होते हैं, अभी एक बुड्ढा वहां से निकल रहा होता जो कि काफ्का को देख लेता है काइजू के फॉर्म में। और फिर मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बुड्ढा फोन निकालता है और कॉल कर देता है डिफेंस फोर्स को। और तुमको पता है डिफेंस फोर्स क्या चीज है, और वो काइजू को देखते ही मार डालते हैं। तो यहाँ पर काफ्का की बैंड बज जाती है, और यहाँ पे चिकाव चलाता है रन सेनपाई रन। सो इतना ही हुआ था काइजू नंबर 8 के फर्स्ट एपिसोड में। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि तुमको फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो गाइस, मिलते किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।